हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में एक्स्ट्रा डिम शॉर्टकट ऑप्शंस है तो एक्स्ट्रा डिम शॉर्टकट ऑप्शंस को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन ही आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में एक्स्ट्रा डिम शॉर्टकट ऑप्शन है तो एक्स्ट्रा डिम शॉर्टकट ऑप्शंस को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो सिंपल, आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है एक्स्ट्रा डिम शॉर्टकट। तो एक्स्ट्रा डिम सर्च करते ही हमारे पास सेटिंग्स आ जाएगी जहाँ से एक्स्ट्रा डिम शॉर्टकट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से इसको ऑन कर देंगे तो आप शॉर्टकट का यूज़ कर पाएंगे। आप सोचते हैं कि हमसे बैक करते हैं, यहाँ से लाइट को आप डिम कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं शॉर्टकट के जरिए। इस तरीके से एक्स्ट्रा डिम शॉर्टकट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पे जाकर, और साथ में आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी एक्स्ट्रा डिम शॉर्टकट को ऑन ऑफ कर पाएंगे। जैसे फ़ोन के आइकन्स आपके शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है और सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास सेटिंग्स आ गई है। तो शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कर देना है जहाँ से आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से शॉर्टकट ऑप्शंस आ रहे हैं। इसको इस तरीके से ऑन कर देंगे तो शॉर्टकट का यूज़ कर पाएंगे, और ऑफ कर देते शॉर्टकट का यूज़ नहीं कर सकते। देखिए शॉर्टकट आपका हट नहीं रहा है, फिर भी हम इसको अंदर जाएंगे और यहाँ शॉर्टकट को आप ऑफ कर सकते हैं, और ऑन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से एक्स्ट्रा डिम शॉर्टकट को ऑन ऑफ कर पाएंगे अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो से लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।